हे गाइस, दिस इज अर्जी आगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 32 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप इसी तरह के वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला अनुवाद है, क्या वे पेड़ हरे हैं? तो यहाँ पर आप देख लो, वे पेड़ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम आर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, आर के बाद सब्जेक्ट, आर दोज ट्रीज, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ग्रीन। क्या वे पेड़ हरे हैं? आर दोज ट्रीज ग्रीन? अब है वे पेड़ हरे नहीं है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट, दोज ट्रीज आर नोट ग्रीन। यहां पर आप देखो कि आर के ठीक बाद नोट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, वे पेड़ हरे नहीं है, दोज ट्रीज आर नोट ग्रीन। अब है वे पेड़ हरे हैं, तो पहले सब्जेक्ट, दोज ट्रीज आर ग्रीन। वे पेड़ हरे हैं, दोज ट्रीज आर ग्रीन। अब है क्या यह टोपी लाल है? यहां पर आप देखो, यह टोपी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम इज से करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट देंगे। तो इज दिस कैप, ठीक है, इज दिस कैप रेड? क्या यह टोपी लाल है? इज दिस कैप रेड? अब यह टोपी लाल नहीं है, तो दिस कैप इज नॉट रेड। यह टोपी लाल नहीं है, दिस कैप इज नॉट रेड। अब यह टोपी लाल है, दिस कैप इज रेड। यह टोपी लाल है, दिस कैप इज रेड। अब है क्या ये बल्ब है? क्या ये बल्ब है? यहां पर आप देखो कि ये, ठीक है, तो इसे क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत हम आर से करेंगे, ठीक है, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, दिज बल्ब्स। यहां पर एक चीज आप देखो, कंप्लीमेंट में जो नाउन है बल्ब, ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है, और चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए इस नाउन को भी मैंने क्या किया, एस लगाकर प्लूरल बना दिया, ठीक है। क्या ये बल्ब है? आर दिज बल्ब्स। अब है ये बल्ब नहीं है, तो दिज आर नोट बल्ब्स, ठीक है, ये बल्ब नहीं है, दिज आर नोट बल्ब्स। अब है ये बल्ब हैं, तो दिज आर बल्ब्स। बस यही आपको ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट, सॉरी, यदि कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, काउंटेबल नाउन हो और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसे आप क्या करो, वो कॉम्प्लीमेंट को भी प्लूरल बना देना है, ठीक है। अब है क्या यह नारंगी है? इज दिस एन ऑरेंज? यहां पर आप ध्यान दो, क्या यह नारंगी है? सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर नंबर है, ठीक है, इसलिए इज से सेंटेंस की शुरुआत किए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है, पहली बात तो वो काउंटेबल नाउन है, और दूसरी बात इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन लगाए हैं। क्या यह नारंगी है? इज दिस एन ऑरेंज? ठीक है, यह नारंगी नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑरेंज, ठीक है, यह नारंगी नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑरेंज। अब यह नारंगी है, दिस इज एन ऑरेंज, यह नारंगी है, दिस इज एन ऑरेंज। अब है क्या वह स्याही है? ठीक है, तो इज दैट इंक,
अब यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, स्याही है, ठीक है। इज इसलिए लगाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इससे सेंटेंस की शुरुआत इसलिए किए क्योंकि सब्जेक्ट क्या सिंगुलर नंबर में था, ठीक है, दैट। तो इस दैट के बाद इंक जो मैंने लिखा इसके आगे ए या फिर एन का प्रयोग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इंक क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। क्या हुआ, स्याही है, इज दैट इंक, वह स्याही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज नॉट इंक, वह स्याही नहीं है, दैट इज नॉट इंक। अब है वह स्याही है, तो दैट इज इंक, ठीक है, वह स्याही है, दैट इज इंक। अब यहां पर तीन सेंटेंस है कि क्या यह मोती है, यह मोती नहीं है और यह मोती है। यहां पर एक चीज आप जान लो, यदि आप मोती जो पहनने वाला होता है वो आप समझते हैं तो इसका इंग्लिश होता है पर्ल्स, ठीक है, सॉरी पर्ल, तो पर्ल मीन्स मोती होता है, ठीक है। तो यदि आप ये मोती पहनने वाला मोती आप समझते हो तो इसे काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तो इसके पहले ए या फिर एन का प्रयोग होगा, चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किंतु यदि आप मोती से ये समझते हैं कि ये किसी का नाम है, किसी पेट का नाम है या फिर किसी आदमी का ही नाम है, ठीक है, तब इसके पहले आप ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इसे प्रॉपर नाउन समझते हैं तब ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करना है, किंतु यदि आप इसे पहनने वाला मोती समझते हैं तब आप इसे ए या फिर एन का प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करेंगे। क्या यह मोती है, इज दिस ए पर्ल, ठीक है, क्या यह मोती है, इज दिस ए पर्ल, मैंने इसे पहनने वाला मोती के हिसाब से बना दिया, ठीक है। अब यह मोती नहीं है, दिस इज नॉट ए पर्ल, ठीक है, यह मोती है, दिस इज ए पर्ल, यह मोती है, दिस इज ए पर्ल, इसे मैंने पहनने वाला मोती समझ के बना दिया, ठीक है। यदि आप इसे कोई नाम समझकर बनाएंगे जैसे कि किसी पालतू जानवर का नाम हो गया या फिर किसी इंसान का नाम हो गया तब यह बनेगा क्या यह मोती है, इज दिस मोती, यह मोती नहीं है, दिस इज नॉट मोती, और यह मोती है, दिस इज मोती।